अंदर एक मोहम्मदिया मास्क और चिल्ला सुभानी शामिल थे, लेकिन कई सालों से वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं था। ओनली एक चप्पल शॉप, एक डिजिटल सिम्स के एक मटन का दुकान थे। वक्फ बोर्ड को हर एक महीने 500-500 दे रहे। ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी था, नोटिफाइड वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी तेलंगाना स्टेट का। ये वन वीक से फूलबाग से रियाज, कुछ इमरान, लोकल कॉरपोरेटर्स हेल्प से वहाँ कुछ खराब था मस्जिद का एरिया में, कुछ गंदी दिख रहा है, इसीलिए वो साफ करने के लिए वो कोशिश करा, साफ कर दिया, कोई मिट्टी वो वहाँ से निकाल दिया। लेकिन प्रेयर्स, तीन प्रेयर्स लगाने के लिए वो टाइमिंग्स लगाया। वहाँ कम्युनली बहुत ही सेंसिटिव थे, सेंसिटिव प्लेस है, 99.99% हिंदू लोकैलिटी, बहुत टेंपल्स, वो उम्मड़ी देवालय टेंपल्स, बहुत टेंपल्स वहाँ शामिल थे। और कोई ब्रांडी शॉप सुबह भी अलग अलग वहाँ शामिल थे, इसीलिए अगर कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कोई रोड रेज, कोई पार्किंग प्लेस में एक ऑटो स्टैंड मौजूद भी थे, तो वहाँ कुछ गड़बड़ होने के लिए, कुछ लोग ऐसा करने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो बहुत कम्युनिटीज में कुछ टेंशन सोचा है। सो कल से कुछ वहाँ टेंशन एटमॉस्फेयर बढ़ गए, थोड़ा मीडिया में वही लोग बोलते रहते थे, तो इसीलिए हम आज टास्क फोर्स, हम चेतना पुलिस मिलकर विजिट कर दिया। ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी था, एवरीथिंग इज ऑन लाइंस, एंड मुस्लिम लोग का उनका राइट है, क्योंकि वो मस्जिद शामिल था, वो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ दूर से क्यों आया, कुछ गड़बड़ होने के लिए पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ टेंशन रखने के लिए पॉसिबिलिटी से वो लोग क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स कर दिया। लेकिन ये छोटा छोटा इश्यूज है, छोटा छोटा मामला है, और पुराना शहर में कम से कम 100-200 का ज़्यादा टेम्पल्स भी थे, 300 के ज़्यादा मस्जिद और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी थे। बहुत तो अच्छा तरफ चौहार अमन शांति से हो गया। ये इतना टेंशन टाइम में कुछ होने के लिए पॉसिबिलिटी है, सो बोथ साइड्स कुछ टेंशन में रहा। लेकिन वहाँ पिकेट डाल दिया, कोई रोमर्स नहीं मानना चाहिए। इनिशियली ये मुसलमान कम्युनिटी एल्डर्स रियाज जानिब से एक प्रेयर 130 को करने के लिए, वो लोग जनवरी 31 तक करने के लिए वो लोग आगे आए। ये बाद में कोई प्रॉब्लम सिंस टेंशन नहीं होगा तो वो पूरी तरफ कर सकता है। मीनवाइल ये लोग दोनों मिलकर बैठ के तो अच्छा करना है। वहाँ वातावरण कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी थे, तो कंप्लीट निकाल के जो गंगा जमुना तहजीब एटमॉस्फेयर यहाँ रहा था वो कंटिन्यू हो जाएंगे। कोई आदमी डरने के लिए, कोई परेशानी होने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। लास्ट में कोई मासूम लोगों को, अगर सामान्य तमाम कामन तमाम को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या तरीके से हम स्ट्रांगली डील करना है, हम डील करेंगे। डेफिनेटली वक्फ बोर्ड को, सीईओ को बुलाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में, जो दोनों कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड सीईओ ऑफिशियल्स को बैठा कर तो अच्छा तरफ वहाँ सॉल्वेशन करने के लिए, परमानेंट सॉल्वेशन करने के लिए। वो तो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, वक्फ बोर्ड का था नोटिफाइड स्ट्रक्चर है, तो वो वहाँ क्या करना, वक्फ बोर्ड का रोल क्या है, मुसलमान का वो एल्डर्स का रोल क्या है, लोकल कॉरपोरेटर का रोल है क्या है। तो अंदर सरले अनटूवर्ड एंटीज लैंड ऑर्डर फोर्सेस अगर उनको मौका नहीं दे देंगे, उनको कोई मौका नहीं दे देंगे, अगर वो कोशिश करेगा तो हम उनको कैसे डील करना हमको मालूम है। सब पुलिस की तरफ से कोई पिकेट रहेगा या वो कुछ लोग कुछ टाइम तक रहेंगे।